A very happy morning to all of you, class 7. Today in this video we will be seeing the multiplication of integers. Okay, previously we have learned the addition and subtraction of integers. We were dealing with these two operations. Now today we will deal with the multiplication of integer. Now if I say that multiplication, it is you know very well that multiplication is what? Multiplication is your repeated addition. Okay, multiplication is repeated addition. Taking a very simple example, like if you have to add, there is an example like this: 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay, so what do you will answer it as? 3 plus 3 6 plus 9 plus 12. 3 is equals to 12. आप इस तरीके से आंसर करते हैं या आपने कैसे सीखा है और इन स्मॉलर क्लासेस you are adding, what you are doing is you are adding 3-4 times, है ना, repeated addition कर रहे हैं आप 3 की. It means you are adding 3-4 times. It means what in the form of multiplication it can be written as 4 times 3, है ना, 4 times 3 and you then also you get answer as 12. It means अगर आपने addition किया तब भी आपको 12 मिला, अगर आपने multiplication की form में लिख करके इसको solve किया तब भी आपको 12 मिला, because multiplication is repeated addition. एक number की आप repeatedly addition कर रहे हैं, then you are basically multiplying the number, है ना, उसका number of times कर रहे हैं आप. तो यहाँ पे 4 times 3. okay, तो ये आपका 4 times 3 था, ठीक है. इसको आप 3 times 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन. अदरवाइज 3 times 4 का मतलब आप इसलिए सिर्फ लिख पा रहे हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. लेकिन इसको 3/4 लिखना इज नॉट अ करेक्ट इन वन वे, बिकॉज 3 times 4 का मतलब पता है आपको क्या होता है? 3 times 4 का मतलब ये है 4 plus 4 plus 4 plus 4, अगर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यहाँ पर आपने 4 times 3 किया है, 4 बार 3 को ऐड किया है, 4 times 3, दिस इज रेड एज टाइम्स ना. मैं आपको कह रही हूँ कि इसको ऐसे लिखना इन अ वे इनकरेक्ट नहीं है, है करेक्ट ही, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. 3 4s करो या 4 3s करो, आना आंसर 12 ही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से. लेकिन आई एम टेलिंग यू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट 3 times 4 होता क्या है. वेरी सॉरी क्लास, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू 3 times 4 होता क्या है, 4 plus 4 plus 4. इट मीन्स 3 times 4 का एडिशन लिख हम दोनों साइड से सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई टोल्ड यू. सो हम कर क्या रहे थे, वी वर डीलिंग दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. ये मैंने आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया एक एग्जाम्पल लेकर. नाउ इफ यू विल सी दिस मल्टीप्लीकेशन इन इंटीजर्स, है ना, अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो क्या वो रिपीटेड एडिशन होता है? ओके, फॉर दिस यू कैन सी द एग्जाम्पल, लाइक इफ यू हैव -5 plus -5 plus -5, ठीक है ना, आपको -5 -5 -5 3 times ऐड करना है. तो बेसिकली आप अगर नंबर लाइन पर इसको देखें, आपने नंबर लाइन पर इंटीजर्स की, आई एम ड्राइंग अ रफ नंबर लाइन फॉर यू, नंबर लाइन पर इंटीजर्स की आपने एडिशन देखी है ना, सब्ट्रैक्शन. तो अगर आप इसको नंबर लाइन पर देखें देन यू विल सी दैट इफ इट इज़ 0, इफ आई विल मार्क इट इज -5 -10 -15, देन जब आप -5 है तो योर -5 इज दिस वन जंप. उसके बाद ऐड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर, देन यू विल जंप अगेन टू द लेफ्ट साइड, है ना, ये आपने पिछले वीडियोस में सीखा है. तो आपने एक और जंप, उसके बाद फिर से -5 कर रहे हैं तो एक और जंप, वेयर यू कम अप टू -15 पर आ गए ना आप. इट मीन्स हुआ क्या, -5 plus -5 plus -5 इज़ योर -15, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ योर 3 times -5, है ना, इट इज़ योर 3 times -5, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के लिए था 4 times 3, तो ये आपका 3 times -5 इज
-15. इट मीन्स आपको रिजल्ट ये मिला कि जब आप इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड जस्ट पुट द नेगेटिव साइन इन द आंसर. ओके, लाइक यू कैन सी द अदर एग्जांपल, लाइक इफ यू हैव दिस 8 मल्टीप्लाई बाय -3, इट मीन्स 8 टाइम्स -3, है ना. 8 टाइम्स आप -3 को ऐड कर रहे हैं, या 8 टाइम्स -3, या 8 मल्टीप्लाई बाय -3. तो आप क्या करेंगे, 8 3 24 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड जस्ट पुट द नेगेटिव साइन. ओके, सो दिस इज बेसिकली वी आर डूइंग, दिस इज अ टॉपिक यू शुड मैंशन इट. इन इंटीजर्स में आप क्या कर रहे थे, यू शुड मैंशन इट हेयर एज मार्केट एज ए एंड मैंशन इट यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, तो आप अभी सीख रहे हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. देयरफॉर जैसे आपने यहां पर 3 आपका पॉजिटिव इंटीजर है और -5 नेगेटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो मल्टीप्लीकेशन होगी तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड देयर विल बी नेगेटिव साइन इन द आंसर. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, क्लास 7, मूविंग फर्दर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. टिल नाउ अभी तक हमने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर, जो आपने अभी किया, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय -4, है ना, यू फाइंड आउट इट एज -12. ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये किया ना आपने, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर. नाउ वी विल सी दैट व्हाट अबाउट नेगेटिव इंटीजर इज व्हेन मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव इंटीजर. ओके, ये मैंने आपको बताया था, इट इज 3 टाइम्स -4, इट मींस 3 बार आपने -4 का एडिशन किया, है ना, ऑन द नंबर लाइन भी मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया. नाउ नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर, लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, -3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मींस -3 टाइम्स 5, है ना, -3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स -3 तो नहीं बोलेंगे ना इसको, इट इज -3 टाइम्स 5. इट मींस आपको 5 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं -3 टाइम्स. एक रफ सिर्फ आप थोड़ा सा आइडिया लेकर देखिए, जस्ट लिसन केयरफुली एंड फोकस ऑन माई वर्ड्स वेरी मच. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ना, देन यू मस्ट लिसन द वीडियो अगेन. ओके, यू कैन रिपीट इट, इट इज़ अ वेरी मच बेनिफिट फॉर यू इन द ऑनलाइन क्लासेस. यू कैन सी दैट यू कैन रिपीट द वीडियोज एंड वॉच द वीडियोज अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी केस. And if you subscribe the channel, then you get the playlist and you can see any video at any time, okay, in which you have any doubt. Anyways, -3 multiplied by 5, roughly agar main aapko bolun, to it means 5 ka multiplication aap -3 times kar rahe hain. It means agar number line par aap dekhe na, aur ye aapki 0 hai aur idhar sabhi ke sabhi positive numbers hain, hai na, yahan par kahin 5 hoga और इधर सभी नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर सब माइनस वाले नंबर्स हैं, -2, -5, -3 एंड सो ऑन, है ना. तो इट मींस आप 5 की ना 5 को -3 times जा रहे हैं, -3 times 5. इट मींस आप इधर इधर मूव करके -3 times पहुँचना चाहते हैं. ठीक है, -3 times, तो आप -3 times पहुँचना चाहते हैं स्टार्ट करके 5 से, और 3 जंप करते हुए, 3 जंप करते हुए, ठीक है ना. मतलब तीन बार आप यहाँ जंप करेंगे, 5 टाइम्स आप